हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पाइथन के थ्रू हम जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा था पिछली वीडियो में, हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था। चेक करने के लिए हम जैसे यहां पे पाइथन को टाइप किया था, तो आप देख सकते हो यहां पे पाइथन 3.7 64 बिट मेरे इंस्टॉल हो चुका है। ऐसे ही अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग जो करने वाला हूं, मैं जुपिटर नोटबुक को यूज़ करने वाला हूं। आप पाइचार्म भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप पाइथन की आइडल को भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहां पर अब सीएमडी टाइप करके यहाँ पे मैं CMD अपना ओपन कर चुका हूँ। अब मेरे को जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करनी है, तो इसके लिए जस्ट आपको लिखना है pip। pip जो है ये पाइथन का पैकेज मैनेजर है, इसके थ्रू हम सारी लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे। अब आपको लिखना है pip install, यहाँ पर आप लिखो जुपिटर। तो जैसे ही मैं लिखूंगा pip install जुपिटर, जुपिटर नोटबुक जो है वो मेरी इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप में pip वर्क नहीं कर रही है, दैट मींस आपने कोई वेरिएबल्स के जो पाथ हैं वो ठीक से सेट नहीं किए हैं। अगर आप की pip नहीं चल रही है, तो आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप पाइथन को कैसे सेटअप कर सकते हो। अगर आपकी पाइथन सक्सेसफुल सेटअप है, तो आप जस्ट सीएमडी में जाओ, यहाँ पर पाइथन लिख के एंटर कर दो। अगर पाइथन लिखने के बाद अगर आपका ये पाइथन का इंटरप्रेटर खुल रहा है, मतलब कि आपका जो वर्जन है पाइथन का 3.7.2 है, अगर ये आ रहा है दैट मीन्स आपकी पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल है। अगर ये नहीं आ रहा दैट मीन्स आपकी पाइथन इंस्टॉल है बट पाइथन का पाथ सेट नहीं है। तो पाथ सेट करने के लिए चाहे आप माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल्स होगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे पाथ सेट किए हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो मैंने पाइथन का पाथ सेट किया होगा कि मैं सी के अंदर यूजर, करन के अंदर ऐप डेटा, के अंदर लोकल, के अंदर प्रोग्राम है, पाइथन के अंदर पाइथन 3.7 है। तो आप मैन्युअली भी पाथ को सेट कर सकते हो, तो आपको दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय चांस अगर आपने इंस्टॉल करी हुई है फिर भी आप पाथ को सेट करना चाहते हैं, देन मैं फिर से डाउनलोड्स में जाऊंगा, यहाँ पर प्रोग्राम्स के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर आप पाइथन 3.7.2 को रन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो लिखा आ जाएगा एड पाइथन 3.72 पाथ, तो आपने इस पाथ पे जरूर क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आपका पाथ सेट कर देगा। तो पाथ सेट होने के बाद आप CMD में जाके फिर से कंफर्म कर सकते हो कि पाइथन मेरी इंस्टॉल है या नहीं है। इतना होने के बाद आप देखिए यहाँ पे जुपिटर जो है मेरी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। जुपिटर को रन करने के लिए आपको जस्ट CMD में टाइप करना है जुपिटर, जुपिटर नोटबुक। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को टाइप करूंगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि जुपिटर नोटबुक मेरी खुल चुकी है। यहाँ पर आपको पाथ दिखा देगा, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड। तो लेट से मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ, यहाँ पर न्यू पे जाके आप देख सकते हो कि पाइथन 3 जो मेरी इंस्टॉल थी ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने डिटेक्ट कर ली है।